मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी, जदयू कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ सीएम ने की बैठक, कहा मंगलवार को नहीं होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। एमएलसी चुनाव में निर्विरोध रहे शहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी, चुने जाने की आज होगी औपचारिक घोषणा। कानून व्यवस्था पर गवर्नर से तेजस्वी ने की मुलाकात, बोले बिहार में बढ़ते अपराध से राज्यपाल चिंतित और परेशान। चिराग से नाराज 27 नेताओं ने दिया लोजपा से इस्तीफा, एनडीए के दूसरे सहयोगियों से साधा संपर्क। आखिर में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविड शील्ड वैक्सीन को WHO से मिल सकती है दुनिया भर में इस्तेमाल की मंजूरी। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वेब सीरीज तांडव पर बिहार में भी मचा घमासान, मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर। दरभंगा एयरपोर्ट से लगातार कैंसिल हो रही फ्लाइट, यात्री परेशान, पुणे हैदराबाद सर्विस अब 1 फरवरी से। मोतिहारी में महिंद्रा एजेंसी के संचालक की गोली मारकर हत्या, लाश पर पिस्टल छोड़कर फरार हुए अपराधी। कोसी और सीमांचल के जिलों में 5,000 करोड़ रुपए से तैयार हो रहा है रोड नेटवर्क। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। जदयू कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मंगलवार को मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। अगर ऐसा होने वाला रहेगा तो इसकी सूचना पहले दे दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार में सब ऑल इज वेल की स्थिति है। आपको बता दें कि सोमवार सुबह यह खबर सामने आई थी कि मंगलवार की सुबह 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन और वीआईपी के अध्यक्ष तथा बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी बिहार विधान परिषद में निर्विरोध प्रवेश कर रहे हैं। सोमवार को 2 बजे तक एमएलसी की 2 सीटों के लिए नामांकन का समय था, लेकिन इन दोनों के अलावा न तो विपक्ष ने कोई प्रत्याशी लिया और न ही किसी निर्दलीय ने ही पर्चा दाखिल किया। मंगलवार को दोनों के नामांकन पर्चे की स्क्रूटनी के बाद इनके चुने जाने की औपचारिक घोषणा होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजद के अन्य नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे। यहां उन्होंने राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर एक ज्ञापन दिया है। इनमें बिहार से बिगड़ती कानून व्यवस्था का मसला उठाया गया है। तेजस्वी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बिहार में जिस तरह से अपराध की घटनाएं हो रही है उससे कहीं अवगत कराया गया है। जब उन्होंने उन्हें बिहार के बढ़ते अपराध की घटनाओं के बारे में बताया तो वे भी चिंतित और परेशान दिखे। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के बागी नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा बंदी का ऐलान कर दिया है। राजधानी पटना के एक होटल में हुई बैठक के बाद नेताओं ने दावा किया है कि वे एनडीए के समर्थक हैं और इसी घटक में किसी दल में जाएंगे। उन्होंने चिराग पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बैठक में एनडीए के घटक दल जदयू, भाजपा और हम वीआईपी से संपर्क साधने के लिए 5-5 नेताओं की 2 अलग-अलग टीमें भी बनाई गई हैं। चिराग से नाराज 27 नेताओं ने लोजपा से इस्तीफा भी दे दिया है। अमेजॉन प्राइम पर वेब सीरीज तांडव को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया गया। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा की ओर से दायर परिवाद में 96 लोगों को आरोपित बनाया गया है। शिकायतकर्ता सुधीर कुमार ओझा ने कहा है कि इस वेब सीरीज में धार्मिक भावनाओं को आहत करने और जाति आधारित भेदभाव फैलाने वाले कई दृश्य हैं। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर के बोरिया में लापता किशोर सोनू राज का शव मिलने से बवाल मच गया है। सोनू की हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने पीट पीट कर हत्या करने के आरोपी सोनू राय को मार डाला। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स के साथ रोसड़ा DSP ने पहुंचकर लोगों को शांत कराया। दरभंगा एयरपोर्ट से फ्लाइट लेने आए यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। कोहरे की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो रही है। परेशान यात्रियों में उत्तर बिहार के कई जिलों के अलावा नेपाल के सीमावर्ती इलाकों से आने वाले लोग शामिल हैं। 18 जनवरी से दरभंगा एयरपोर्ट से पुणे और हैदराबाद के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होनी थी, लेकिन मौसम की खराबी के कारण ये दोनों फ्लाइट भी शुरू नहीं हो सकी। पुणे हैदराबाद सर्विस अब 1 फरवरी से शुरू होगी। पटना की फल मंडी में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। एक के बाद एक कुल 14 राउंड गोली चली है। बदमाशों के इस कांड में दूसरे राज्यों से फल लेकर आए ट्रकों और ड्राइवर्स को निशाना बनाया गया। अचानक हुए इस वारदात के बाद पूरे मंडी में हड़कंप मचा हुआ है। फल कारोबारी दहशत में है। फल कारोबारियों का कहना है कि अगर सुरक्षा नहीं मिली तो वे कारोबार बंद कर देंगे।
मोतिहारी में सोमवार को अपराधियों ने महिंद्रा मोटर्स की एजेंसी के संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। खबरों के माने तो महिंद्रा मोटर्स एजेंसी फर्स्ट चॉइस के मालिक अभिषेक सिंह उर्फ टुटू के सर में गोली मारकर हत्या की गई और फिर शव पर पिस्टल रखकर फरार हो गए। सीमांचल और कोसी में 5000 करोड़ के सड़कों की जाल बिछाए जाने से 2 करोड़ आबादी की जाल बदल जाएगी, जिनमें नेशनल हाईवे 131A, नेशनल हाईवे 107, नेशनल हाईवे 57A, नेशनल हाईवे 327E का काम चल रहा है। पूर्णिया कोसी प्रमंडल के 7 जिलों में 5000 करोड़ रुपए से रोड का बेहतर नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं। इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों को दिल्ली में एंट्री दी जाए या नहीं ये पुलिस तय करेगी। कोर्ट ने कहा है कि 20 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2 और सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का भूमि पूजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। मोदी ने कहा है कि इन प्रोजेक्ट से देश के 2 बड़े कारोबारी केंद्रों की कनेक्टिविटी और मजबूती होगी। मोदी ने कहा है कि हमारे शहरों की आज की क्या जरूरत है और आने वाले 10 से 12 साल में क्या जरूरत होगी, इस विजन को लेकर हम काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है। तीखी बयानबाजी के बाद आगे रहने की होड़ अब हिंसक होने लगी है। ताजा मामला कोलकाता का है। यहां सोमवार को भाजपा के रोड शो पर पथराव हुआ। इस रोड शो में केंद्रीय मंत्री देवाश्री चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी शामिल थे। रजनीकांत के चुनावी राजनीति से दूर रहने के फैसले के बाद अब उनके संगठन रजनी मक्कल मंदरम यानी आरएमएम ने अपनी सदस्यों से कहा है कि वे चाहें तो आरएमएम में छोड़कर किसी राजनीतिक पार्टी में जा सकते हैं। आरएमएम नेता वीएम सुधाकर की तरफ से सोमवार को यह बयान जारी किया गया। साथ ही कहा गया है कि जो लोग आरएमएम से इस्तीफा दे रहे हैं उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे रजनीकांत के फैन हैं। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड शील्ड को जल्द ही विश्व स्वास्थ्य संगठन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। कोविड शील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनोम गेब्रेसस ने कहा है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि SII रैपिड असेसमेंट के लिए फुल डाटा स्टेज जल्द उपलब्ध कराए। इसके आधार पर WHO तय करेगा कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को इंटरनेशनल स्तर पर इस्तेमाल की इजाजत दी जा सकती है या नहीं। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।